लोकसभा चुनाव के परिणामों ने सबको हैरान करके रख दिया था। एनडीए ने बहुमत के साथ जीत तो दर्ज की, लेकिन इंडिया ब्लॉक हार कर भी जीत का जश्न मना रहा है। 294 सीटों पर एनडीए और वहीं 234 सीटों पर इंडिया ब्लॉक इस बार सिमट कर रह गया है। एनडीए की जीत में सबसे बड़ा योगदान जेडीयू और टीडीपी पार्टी का रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के साथ ही उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदल चुका है। सियासत गर्मा चुकी है, राजनीतिक गलियारों में हलचल इस बात पर तेज है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को आखिर ऐसा क्या हुआ, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को किस बात का ऐसा झटका लगा कि इस बार बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हार हो गई है। सपा 37 सीटों पर सिमटी है तो वहीं बीजेपी 33 पर सिमट चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के साथ साथ ही बहुजन समाज पार्टी पर भी लगातार सवाल दागे जा रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर पूरी तरह से हार चुकी है। मायावती को करारी हार का करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव की मोहर लग चुकी है, लेकिन बची 7 से 8 सीटों पर अभी भी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 17 से 18 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में अब मायावती और योगी आदित्यनाथ एक साथ आ सकते हैं और गठबंधन की ओर ये दोनों ही दिग्गज नेता कहीं ना कहीं रुख अपना मोड़ सकते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर मायावती ने उनको उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए तमाम तरह की बातें उनको कही थी। बाकायदा एक्स पर उनको बधाई दी गई थी मायावती द्वारा, जिसके बाद तमाम जो दिग्गज हैं और तमाम जो नेता हैं वो लगातार इस बात पर चर्चाएं कर रहे हैं कि अब मायावती और योगी आदित्यनाथ साथ आ सकते हैं। वहीं जनता लगातार कयास लगाए जा रही है कि अब योगी आदित्यनाथ और मायावती का यानी बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। फिलहाल अब देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि क्या उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती एक साथ आएंगी या नहीं, या फिर एक बार फिर से 2019 का समीकरण मायावती दोहराती नजर आएंगी।